हरियाणा की बॉक्सिंग एसोसिएशन एवं फरीदाबाद जिला की बॉक्सिंग संघ की तरफ से फरीदाबाद के सभी खिलाड़ियों, फरीदाबाद के सभी नागरिक, उनको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और 1999 में हमने हरियाणा की बॉक्सिंग एसोसिएशन के नाम से एक राज्य स्तरीय संस्था बनाई, जिसमें उस समय फरीदाबाद में उपायुक्त रहे श्री आनंद मोहन सरन IAS, वो इसके प्रेसिडेंट बने। और उसके बाद से लेकर आज तक हम लोग इसकी राज्य स्तर पर स्टेट टूर्नामेंट करा रहे हैं। और यहाँ के खिलाड़ी, फरीदाबाद और हरियाणा के खिलाड़ी विभिन्न प्रदेशों में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अनेकों मेडल प्राप्त किए हैं। यह इसके हमारा जो अभी लेटेस्ट अचीवमेंट रहा है, सितंबर 2011 में रशिया में आयोजित विश्व कप किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट में फरीदाबाद के दो खिलाड़ियों ने भाग लिया था। उसमें मंजीत सिंह नागिल ने गोल्ड मेडल हासिल किया है और सुयस पराशर ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। यह जो मेडल और ये जो अचीवमेंट यहाँ के खिलाड़ियों ने हासिल किया है, इससे किक बॉक्सिंग को पूरे प्रदेश में, जिले में और भारतवर्ष में एक नई दिशा मिलेगी और यह गेम एक अपने फॉर्मेट में आएगा आने वाले टाइम में। 1999 को उसका उद्घाटन था। उसके उद्घाटन अवसर पर मैंने अपने स्टमक पर से एम्बेसडर का, जो अराउंड 1 टन का वेट होता है उसका, वो अपने स्टमक के ऊपर से मैंने क्रॉस करवाई थी। उसके बाद उसी पार्क में वहाँ की मैनेजमेंट ने ट्रेनिंग देने के लिए आमंत्रित किया था कि आप यहाँ पर ट्रेनिंग दें। उसके बाद मैंने उसी पार्क में ट्रेनिंग देना शुरू किया था, जो अग्रवाल सेवा सदन के साथ में ही है। और मंजीत सिंह नागिल उसी पार्क में आता था सीखने के लिए और काफ़ी पुराना खिलाड़ी है। इसने राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों पहले टूर्नामेंट खेल चुका है और पदक प्राप्त कर चुका है। इस बार सितंबर में रशिया में आयोजित वर्ल्ड कप में सीनियर मेन कैटेगरी में 95 kg वेट कैटेगरी में इसने पार्टिसिपेट किया था। और दूसरा खिलाड़ी सुयस पराशर मानव रचना सेक्टर 14 का स्टूडेंट है। और इस खिलाड़ी ने कम समय में बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है। 4-5 साल से ये ट्रेनिंग दे रहा है और इसने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल हासिल किए हैं। पिछले माह पंजाब में नॉर्थ जोन में भी इसने मेडल प्राप्त किया है। इसके बाद इसका सिलेक्शन की रिकमेंडेशन हमने भेजी थी अपने फेडरेशन को, तो फेडरेशन के माध्यम से इसका सिलेक्शन इस वर्ल्ड कप की बॉक्सिंग के लिए हुआ, जिसमें इसने पार्टिसिपेट किया और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि फरीदाबाद में आज की तारीख में 10-12 केंद्र जो हमारे चल रहे हैं कि बॉक्सिंग के, उसमें से और भी अच्छे खिलाड़ी भविष्य में आगे आएंगे, जो राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर जिले और प्रदेश को गौरवान्वित करेंगे।